हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का सातवां पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी पीजीटी जीएसटी प्रतियोगिता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में, ए ऑप्शन सही होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है, विशेषकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को जो है बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य किया गया था। और इसका आरंभ जो है 2 अक्टूबर 1975 को जो है 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान जयपुर में, पश्चिम बंगाल में मालदा, ऐसे तमाम जगहों पर शुरुआत में जो है 4-5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड बना रहा है। तो क्या बना रहा है ये? तो ए ऑप्शन सही होगा, नाबार्ड द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड नाबार्ड द्वारा जो है ये संचालित किया जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी तो किस समिति के आधार पर? तो गोरवाला समिति की संस्तुति पर जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 जुलाई 1955 को जो है भारतीय स्टेट बैंक कार्य करना शुरू कर दिया था और ये भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीयकृत बैंक माना जाता है। ठीक है, और ये जो है गोरवाला समिति की संस्तुति पर इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, IDBI किसके स्वामित्व में कार्य कर रही है? तो ये भारत सरकार के स्वामित्व में कार्य कर रही है, IDBI। इसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, और ये बैंक जो है रिजर्व बैंक का एक अनुसंगी बैंक है और 1976 में इसे रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया और इसका स्वामित्व जो है भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि IDBI जो है रिजर्व बैंक से कब अलग हुआ। तो 1976 में ये अलग हुआ था और उसके बाद से जो है ये भारत सरकार द्वारा इसका कार्यभार संभाला गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम है और इसको इंग्लिश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की गई थी और यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो है वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि कराधान के कठिन होने का कारण है। तो भारत में कृषि कराधान के कठिन होने का कौन सा कारण है? तो कर संग्रहण में बढ़ता हुआ ऊपरी व्यय और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण जो है कृषि कराधान में कठिन होने का कारण पाया गया है। ठीक है, यह आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में उच्च आय वर्गों पर जो है कर लगाए जाए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में कृषि आय पर कोई कर नहीं है, जिसके कारण जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और भारत में इस समय कृषि पर कर केवल भूमि लगान और पंजीकरण शुल्कों के रूप में लगाए जाते हैं, जो वास्तव में कर नहीं माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जा सकता है कि जो कर संग्रहण में बढ़ता हुआ ऊपरी व्यय है, राजनीतिक शक्ति की इच्छा में कमी है, इसलिए जो है भारत में किसी कराधान के कठिन होने की सबसे बड़ी कारण बनता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे अधिक संख्या में जो है किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये कब से प्रारंभ किया गया था? तो फरवरी 2006 से,
ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसका शुरुआत किया गया था और जिसे जो है 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा कहते हैं वो कर दिया गया था। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मनरेगा कब किया गया था ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये 2009 को इसको मनरेगा में चेंज कर दिया गया था और ये जो है इसकी शुरुआत जो है 2006 में किया गया था। ठीक है, 3 साल बाद जो है इसको जो है मनरेगा कर दिया गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी विनिमय दर से संबंधित 1990 के दशक में उठाए गए निम्नलिखित कदमों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो चालू खाते की परिवर्तनीय कब लागू किया गया था, चालू खाते की परिवर्तनीयता कब लागू की गई थी तो ये लागू किया गया था 1994 में। ठीक है, और एकीकृत बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली कब लागू किया गया था तो ये लागू किया गया था आपका 1993 में। ठीक है, 1993 में लागू किया गया था। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लागू किया गया था तो ये 1992 में आपका हुआ था, 1992 में हुआ था। और विनिमय दर में 2 चरणों में यथार्थपरक समायोजन ये जो है 1991 में हुआ था। ठीक है, तो सही कालक्रम के अनुसार बनाना है तो 91, 92, 93, 94 यानी नीचे से सीरीज से है तो DCBA तो यहाँ पे देख लीजिए DCBA कोट नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लैंगिक बजट प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ किया गया, लैंगिक बजट प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ किया गया था तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जेंडर बजेटिंग का सबसे पहले प्रयोग जो है 1982 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जेंडर बजेटिंग से आशय जो है जेंडर की दृष्टि से बजट के सार्वजनिक व्यय प्रारूप को तैयार करना है जिससे यह जाना जा सके कि सार्वजनिक व्यय का कितना भाग स्त्रियों तथा बच्चों के लिए आवंटित है तथा कौन कौन सी योजना इससे संबंधित है, इसलिए उसको लैंगिक बजट प्रणाली की संज्ञा दिया गया। इसको जो है जेंडर बजटिंग के नाम से भी जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में और इसकी शुरुआत 1982 में ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम हुआ था। अगला क्वेश्चन है लेखांकन की दृष्टि से स्वतंत्र भारत के भुगतान संतुलन के संबंध में क्या सत्य है, तो सदैव धनात्मक रहा है गलत है, सदैव ऋणात्मक गलत है, सदैव संतुलन रहा है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लेखांकन प्रणाली में एक लेन देन का अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह क्रमशः क्रेडिट और डेबिट पक्षों में लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए जो क्रेडिट और डेबिट पक्ष जो है सदैव संतुलन में रहते हैं, यदि चालू लेखा में घाटा हो तो इसे पूंजी लेखा में उतने ही अतिरिक्त द्वारा जो है पूरा करके संतुलित किया जा सकता है और चालू लेखा के अतिरिक्त होने पर जो है इसके विपरीत पूंजी लेखा में घाटे द्वारा जो है संतुलन लाया जा सकता है, अतः इस दृष्टिकोण से भी जो है भुगतान शेष सदैव संतुलन में रहता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि लेखांकन की दृष्टि से स्वतंत्र भारत में भुगतान का संतुलन जो है सदैव संतुलन में रहा है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2008 में संसद में प्रस्तुत बजट के लिए बजट वर्ष होगा, तो ये 8-9। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत पहले का पूछा हुआ। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग जो होता है विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2008 और 2009 दोनों के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए 2019 और 20 दे तब भी हो जाएगा, यानी 2 वर्ष के बीच में जो है वो बजट वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ केवल 1 वर्ष के लिए ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा आपका। तो ये वित्तीय वर्ष जो होगा वो 8-9 के बीच का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकतम संख्या में व्यक्ति कार्यरत हैं किस क्षेत्र में, तो भारत में अधिकतम संख्या में जो है व्यक्ति कार्यरत हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, चाहे 2011 का 12 का आंकड़ा देखा जाए, चाहे 19-20 का आंकड़ा देखा जाए, ठीक है, उसमें
2011-12 में जो था तो 48.9% जो है प्राथमिक क्षेत्र में थे, और वर्तमान समय में ये 51.7% हो गया है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और द्वितीयक क्षेत्र में देखा जाए तो द्वितीयक क्षेत्र में 24.3% है और तृतीयक क्षेत्र में जो है 26.9% है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 2019-20 का डाटा आप लोग याद रखिएगा, 51.7% है प्राथमिक क्षेत्र में भारत में जो है अधिकतम संख्या व्यक्ति जो कार्यरत हैं प्राथमिक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। इसमें तीन विधियों द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पहला है आपका आय विधि, ठीक है, दूसरा है व्यय विधि, और तीसरा है आपका उत्पादन विधि, ठीक है। इन तीन विधियों के द्वारा जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इन तीन विधियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है, तो यह है 1921, ठीक है। भारत की 20वीं शताब्दी से पहले दो दशकों में जो है जनसंख्या में साधारण वृद्धि हुई थी, परंतु 1921 में की गई जो जनगणना थी उसमें जनसंख्या में 1 मिलियन की कमी प्रदर्शित हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए जो है 1921 को महान विभाजन वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व व्यापार में भारतीय विदेशी व्यापार का हिस्सा है, विश्व व्यापार में भारतीय विदेशी व्यापार का हिस्सा कितना परसेंट की है, तो 0.5% से लेकर के 1% के बीच है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार जो है वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा जो है 2004 में क्रमशः जो है 0.8% के से लेकर के 1% था, इसके बीच था, और वर्तमान समय में 2019 और 20 का आंकड़ा देखा जाए, ठीक है, तो विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 1.67% हो गई है, ठीक है, ये अपडेट डाटा है, इसको याद रखिएगा। 2019-20 के आंकड़ा में जो है भारत का विदेशी व्यापार में जो है 1.67% हो गई है, और ये 2004 का आंकड़ा था, 2004 में जो आंकड़ा निकाला गया था तो 0.5% से लेकर के 1% के बीच में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उपाय कृषि वस्तु संबंधी स्थिरीकरण नीति के अंतर्गत आता है, तो ये वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कृषि वस्तुओं के संबंध में मूल्य नीति के दोहरे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है किसानों को उसके उत्पादनों का उचित तथा उत्साहवर्धक मूल्य मिल सके, और दूसरा है उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि वस्तुओं की पूर्ति उपलब्ध हो सके, ठीक है, तभी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है वस्तु संबंधी स्थिरीकरण नीति अपनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अंतर्गत भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, ये 2001 की जनगणना का पूछ रहा है, तो ये बिहार का है, ठीक है, बिहार की महिला साक्षरता दर सबसे कम है इन चारों प्रदेश में, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो केरल है और मिजोरम है, जबकि सबसे कम वाला बिहार ही है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहार ही है, ठीक है, बिहार पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका झारखंड है, और 2001 की जनगणना के अनुसार भी बिहार ही सबसे अग्रणी है, ठीक है। तो अगर साक्षरता दर सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक जो है वो केरल की है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, ठीक है, 6 अगस्त 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। यह एक संविधानेतर निकाय है, ठीक है, यह एक जो है संविधानेतर, इसको भी याद रखिएगा, संविधानेतर निकाय है, और जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है,
ठीक है, इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय विदेशी विनिमय सुरक्षित कोष का भाग नहीं है, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो विदेशी मुद्रा एवं प्रतिभूतियाँ जो बैंकों एवं निगमों के द्वारा अधिगृहित हैं, ये जो है भाग नहीं है, ठीक है। सभी वित्तीय संसाधन जिनका प्रयोग कोई देश अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए करता है, वे अंतर्राष्ट्रीय तरलता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इस प्रकार वे सभी मदें जो किसी देश के विदेशी विनिमय कोष के स्रोत के रूप में लिए जाते हैं, वे सभी अंतर्राष्ट्रीय तरलता के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार सोना, विदेशी करेंसी, SDR, ये सभी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय तरलता के भाग में आ जाते हैं, ठीक है। स्वर्ण हुआ, विशेष आहरण अधिकार हुआ, विदेशी मुद्रा संपत्ति हुई, ये सभी जो है विदेशी विनिमय सुरक्षित कोष के अंतर्गत आते हैं। और कौन नहीं आता है, तो ये विदेशी मुद्रा एवं प्रतिभूतियाँ जो बैंकों और निगमों के द्वारा अनुग्रहित हैं, ये उसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, रुपए को भुगतान शेष चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया, तो कब परिवर्तनीय बनाया गया था, तो अगस्त 1994 को। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी चालू व्यापारिक लेन देनों जिसमें यात्रा, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी व्यय सम्मिलित हैं के लिए विदेशी विनिमय की उपलब्धता स्वतंत्र करने को चालू खाते की परिवर्तनीयता कहते हैं। और भारत में जो है 20 अगस्त 1994 को चालू खाते पर परिवर्तन का घोषणा किया गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, तो आप लोग जानते होंगे पांचवा पंचवर्षीय योजना जो 1974 से लेकर के 1979 तक, ठीक है, ये जो है गरीबी उन्मूलन का पंचवर्षीय योजना था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से लघु उद्योगों पर किसमें अधिक जोर दिया गया, तो 1977 की औद्योगिक नीति में, ठीक है, 19 दिसंबर 1977 में जनता सरकार द्वारा जो है घोषित औद्योगिक नीति में लघु तथा कुटीर उद्योग धंधे के प्रवर्तन तथा विकास पर जो है विशेष बल दिया गया था। अगला है, भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया, तो ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व बाज़ार में भारतीय उत्पादों की छवि बेहतर बनाने और भारतीय निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो है भारत सरकार ने वाणिज्यिक मंत्रालय ने इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड जुलाई 1996 को स्थापित किया गया था, ठीक है, 1996 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। और फंड का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत में निर्मित लेबल को गुणवत्ता, प्रतिद्वंद्वात्मक मूल्य तथा विश्वसनीयता का प्रतीक बनाता है, बनाना है, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार नीति 2004-09 के अंतर्गत तारांकित निर्यातों गृहों को वर्गीकृत किया गया है, तो किन श्रेणियों में, कितने श्रेणियों में, तो ये 5 श्रेणियों में, ठीक है। तो 5 श्रेणी में जो विभक्त किया गया था, पहला था आपका निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, ठीक है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। दूसरा था विशेष आर्थिक जोन, विशेष आर्थिक जोन। और तीसरा था आपका निर्यातन्मुखी इकाइयाँ। और चौथा था आपका निर्यात गृह, निर्यात व्यापार और स्टार ट्रेनिंग गृह। और पाँचवा था जो आपका वो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ठीक है, इन्हीं 5 श्रेणियों में जो है उसको विभक्त किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005-06 में भारत की वस्तु निर्यातों की मात्रा इस स्तर को पार गई कर गई है, तो किस स्तर को पार की गई थी, कर गई थी, तो वो 100 बिलियन के पार कर गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विगत 10 वर्ष से भारतीय व्यापारिक माल व्यापार सीमा शुल्क आधार पर जो है 2004-05 में 195.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जो है 13-14 में जो है 764 बिलियन अमेरिकी डॉलर होकर के जो है कई गुना बढ़ गया था, ठीक है। तो ये पुराना डाटा है, आप लोग नए डाटे को जो है देख लीजिएगा एक बार, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संपेदी सूचकांक जिसको सेंसेक्स कहते हैं,
10,000 अंकों के स्तर पर पहुंचा था। कब पहुंचा था ये? तो ये पहुंचा था फरवरी 2006 में, ठीक है। फरवरी 2006 को जो है 30 शेयरों पर आधारित जो है BSE सेक्शन में उछाल जो है 10,000 अंकों को पार कर गया, और 5 दिसंबर 2006 को इसने जो है 14,000 के अंक को भी पार कर लिया था। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि 8% के स्तर से अधिक है। तो ये 4 बार ऐसा हुआ है, ठीक है। कब कब हुआ है? तो 1996-97 में, 2003-04 में, ठीक है, 2005-06 में और 6-07 में, ठीक है। 8% के स्तर से अधिक हुआ है, 4 बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को ऋण नहीं प्रदान करता है? किसानों को ऋण नहीं प्रदान करता है कौन सा बैंक? तो ये नाबार्ड है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। यह स्कीम जो है संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच का की एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी पहल थी, और जो नाबार्ड है इसके अंतर्गत जो है किसानों को ऋण नहीं प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस जगह से काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था? तो ये अलूर आंध्र प्रदेश से किया गया था, ठीक है। केंद्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत जो है स्वीकार किए गए काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में वर्तमान तेलंगाना के अलूर जिले में किया गया, और इस योजना को वर्तमान में जो है मनरेगा में जो है विलय कर दिया गया है, ठीक है। इसको काम के बदले अनाज जो है इसको जो है मनरेगा में विलय कर दिया गया है, और इसकी शुरुआत जो है 2004 में मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।